तो गाइस अब हम चार लोग हो गए हैं और अभी सबने प्लान बनाया है कि जो हमारी पुरानी स्कूल है, जो पुरानी यादें हैं वो ताजा करने के लिए जा रहे हैं। और मैं हमारी पूरी स्कूल का व्यू बताऊंगा आपको। और ये पीछे बैठे अभी एक और आए बंदा, उमेश सिंह राठौर। हाय फ्रेंड्स। और ये कवि कवि है, बहुत बड़ा फैन है। हाँ, बहुत मतलब जाना माना कवि है ये हमारे। गाइस ये हमारी स्कूल आ गई है। गाइस देखिए आदर्श विद्या मंदिर जसौल, हमारी पुरानी यादें ताजा अभी करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा स्कूल का व्यू। अंदर कौन है, क्या है? ओके गाइस, गाइस अभी हम अंदर आ गए हैं स्कूल के और अभी हम यहाँ पता लगाते हैं स्कूल में और कौन कौन है, क्या है। गाइस देखिए अंकल जी हैं, एक ये हमारा जो बोर्ड है, मेन बोर्ड, जिसमें जो जिस दिन कार्यक्रम होता था महीने की डिटेल आ जाती थी। हम लोग छुट्टियों का वेट करते थे। हाँ, किस दिन हॉलीडे होता था। देखिए ये ये हमारा हमारे बड़े भैया जी का कक्ष, बड़े भैया जी जिसमें प्रधानाचार्य कक्ष। जब भी हम कुछ बदमाशी वगैरह करते थे तो सबसे पहले जो पेशी हमारी होती थी वो यही पर होती थी। हाँ, बहुत डर लगता था यहाँ इस कक्ष में। ये हमारी पहचान है, जो ये मासिक गीत का और ये हैंडराइटिंग आप देखिए बहुत ही सुंदर। आप किसी भी स्कूल में चले जाएंगे लेकिन इस प्रकार के हैंडराइटिंग आपको सिर्फ आदर्श विद्या मंदिर और विद्यावादी में बड़े विद्यार्थियों के बीच ही ये हैंडराइटिंग आपको देखने को मिलेगी। बोलिए बोलिए। ये जो सारी तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो सच्चिदानंद मंत्र की है, जो लगभग इसमें 33 श्लोक है। सभी विद्यार्थी द्वारा जब भी जिनका जन्मदिन होता है तो विद्यालय परिवार को वो भेंट करते हैं ये तस्वीरें। ये देखिए बहुत पुरानी है, 2006 और 2007 की तस्वीर। ये केशव कक्ष, ये हमारे मित्र जो है देवेंद्र सिंह जी, वनय सिंह जी, जो हमारे साथ में बड़े हुए हैं, ये उनके द्वारा ये तस्वीर भेंट की गई है। ये हमारी प्रार्थना कक्ष है ना, प्रार्थना कक्ष है ना ये। अभी देखो गाइस यहाँ तो ये पीछे अभी बंद करवा लिया है, बाकी ये हमारी यहाँ प्रार्थना होती थी। ये प्रार्थना कक्ष, ये हमारा जो प्रार्थना का शेड्यूल है, और ये हमारे प्रार्थना का शेड्यूल, वंदना कार्यक्रम। अभी हम ये आए हैं ये विद्यालय के पीछे का ग्राउंड। देखिए गाइस जो हम यहाँ क्रिकेट वगैरह खेलते थे, खो खो खेलते थे। ये देखिए ये जो ग्राउंड है खो खो का, मतलब इतने सारे मैच खेले हैं यहाँ पर जितना भी। और ये जो हमारे दोस्त है मुकेश जी, ये जो है अच्छा प्लेयर, सबसे बेस्ट प्लेयर थे हमारे बैच के। नहीं वैसे हम भी थे लेकिन हम इतने भी अच्छे प्लेयर नहीं थे। आप जो है कबड्डी कैसे थे? खो खो भी खेला है और खो खो में मैं टॉप 3 रनर्स में रहा था। हम पचपदरा में टूर्नामेंट भी जीते थे। नहीं वैसे मैं भी चला था वहाँ। आपने दूसरा प्रतियोगिता में भाग लिया था? लिया तो था ना हमने भी। ये पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं प्रार्थना बोल के, बहुत ही आनंद ले रहे हैं यहाँ स्कूल में। देखिए प्रार्थना चल रही है। गाइस स्कूल का नाम भी आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है।
तो नाम में भी आदर्श है और स्कूल में भी आदर्श है और स्कूल के पूरे संस्कार भी आदर्श है। ये राइज, ये देखिए, ये हमारे जो टीचर हैं, हम भैया जी बोलते हैं, उन्होंने ये छोटे बच्चों के लिए भूल भुलैया एक छोटा सा खेल का मैदान बनाया है। ये देखिए गाइस, और अभी वो आनंद ले रहे हैं झूलों पे। देखो छोटे बच्चे बने हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारे दोस्त अभी इस पर झूले का आनंद ले रहे हैं। काफी समय हो गया था स्कूल को आए हुए। बहुत ही आनंद के साथ। ये मुखिया जी मुझे आमंत्रित कर रहे हैं कि आप इस साइड में आके ये जो ऊपर नीचे वाला झूला है ये खाए। छोटे छोटे बच्चे बने अभी, आनंद ले रहे हैं। ये अभी दुल्हे राजा बनने वाले हैं और ये अभी देखो आनंद ले रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि फिर बाद में आनंद आएगा कि नहीं आएगा। और ये हमारा एक और फ्रेंड जो उमेश सिंह, ये हमें भी आमंत्रण कर रहे हैं कि आप भी आ जाओ, मैं अकेला हूँ। ये देखिए बहुत आनंद आ रहा है और काफी समय के बाद हम झूले पे आए हैं झूला झूलने के लिए। ये देखो अभी हम दो लोग इस झूले पे झूल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पुरानी बचपन की यादें। बहुत आनंद आ रहा है सच में, क्योंकि पुराने दोस्त काफी समय के बाद मिले हैं और वो भी हमारी पुरानी स्कूल में। गाइस अभी सबसे पहले हमारे मुकेश गौड़, अभी कितने हो गए, अभी अभी सेकंड में आ रहे हैं देवपाल सिंह। ये देखिए 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 देखिए, तो धीरे धीरे फटाफट चलो आगे, ये नहीं चल पाए। अभी उमेश, उमेश फटाफट, ये उमेश ने पार कर लिया है। नहीं 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 नहीं, अब हमारे किशन सिंह जी सिसोदिया साहब आ रहे हैं, इन्होंने भी पार कर दिया है। इनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं है ये क्रॉस करने के बाद। मुकेश वापस से ट्राई कर रहे हैं, एक बार देखते हैं ये अपने वापस सफल होते नहीं होते। आगे जा रहे हैं जो हमारी स्टार्टिंग क्लास शिशु वाटिका, वो बताते हैं आपको, फिर ये स्कूल का पूरा भ्रमण और व्यू हो जाएगा पूरा। जिस समय हम बिल्कुल छोटे थे और लगभग नर्सरी के जी प्रेप जो आज की कक्षा होती है ये वो हमारी यहाँ पे लगती थी। देखिए भाई ये जो है ये लिखा हुआ शिशु वाटिका, ये शिशु वाटिका कक्षा है। जब हम भी पढ़ते थे लगभग आज से 15 साल पहले, तब भी यहाँ पे सोनी बा रहते थे और आज भी वो किसी काम से कहीं इधर उधर गए हुए हैं। ये यहाँ पे हमारे भीमा राम जी भाभी यही है, खाना बना रहे हैं। बस बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं बस आप जी नहीं बस वो तो ये मान सकते, ये हमारे भीमा राम जी। ओके साहब, तो सो गाइज अब हम निकल रहे हैं वापिस घर पे। और गाइज हमें ज़रूर बताना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्योंकि हमारी बहुत पुरानी यादें थी जो हमने यहाँ आके ताज़ा की है और चार फ्रेंड मिले हैं। और अभी हमारे स्कूल में प्रधानाचार्य जी है नहीं, तो फिर भी हमने पूरा भ्रमण कर लिया। तो गाइज कैसी लगी हमारी ये स्कूल आप भी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अब हम निकलने की तैयारी में है घर पर वापिस।